मैं डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन गिलानी, प्रोफेसर ऑफ सर्जरी, शरीफ मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज। मैं डॉक्टर अफसर अली भट्टी, मैं प्रोफेसर ऑफ सर्जरी हूँ लाहौर जनरल हॉस्पिटल लाहौर में, और इवनिंग प्रैक्टिस मेरी डॉक्टर हॉस्पिटल लाहौर में। डॉक्टर मोहसिन गिलानी जो प्रोफेसर ऑफ सर्जरी हैं नवाज शरीफ सिटी हॉस्पिटल में, उनसे मिल के हमने एक ओबेसिटी एसोसिएट सर्जन का ग्रुप बनाया है। ये मोटापा इसको कहते हैं उमुल अमराज। जितनी बीमारियां शुरू होती हैं ना, वो शुरू मोटापे से होती हैं। जोड़ों के दर्द, दिल की बीमारियां, ब्लड प्रेशर, शुगर, ये सब की जो एक रूट कॉज है, जो मेन वजह है, वो एक मोटापा है। सिगरेट स्मोकिंग के बाद जो एक मरीज के लिए जानलेवा साबित हो सकती है, वो एक मोटापा बजाते खुद है। हाइट जो होती है वो सेंटीमीटर्स में या मीटर्स में लेते हैं, और वज़न जो है वो किलोग्राम में लेते हैं। इस तरह मोटापे के लिए जो एक सेट क्राइटेरिया, जो स्केल है, उसको असेस करते हैं कि जितना वेट है किलोग्राम में मरीज़ का, उसको तकसीम करते हैं हम जो हाइट है मीटर स्क्वायर में, लेके मीटर में हाइट लेके उसको डबल करके तो उसके साथ डिवाइड करते हैं। तो नॉर्मल जो अपर लिमिट है एक हेल्दी बंदे के लिए या इंसान के लिए, वो 25 उसको मेजरमेंट लिया जाता है, 25 उसको या 25 से जैसे ऊपर जाता है वो मोटापे में शुमार होना शुरू हो जाता है। 30 जब होता है BMI, इसको कहते हैं बेसल मेटाबॉलिक इंडेक्स, जब BMI 30 में होता है तो उसको मोटापा या ओबेसिटी कंसिडर करते हैं, और उससे फिर अगर उस शुगर है या ब्लड प्रेशर है तो पेशेंट को एडवाइस किया जाता है कि सर्जरी करा लें मोटापे के लिए। और 35 जो है वो मॉर्बिड ओबेसिटी या इससे जैसे ऊपर जाता है वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस या मोटापे की या कॉम्प्लिकेटेड ओबेसिटी उसको लेबल किया जाता है। इस तरह फेलोशिप के लिए गया बेल्जियम, वहाँ नंबर ऑफ पेशेंट्स बहुत ज़्यादा था, तो पता करने पर ये पता चला कि ये जो मोटापे की सर्जरी का जो ट्रीटमेंट है वो इंश्योरेंस पे करती है, हेल्थ इंश्योरेंस, और उन्होंने इसको लिया हुआ है एज ए डिजीज़। मोटापा जो है एक बीमारी के तौर पे लिया गया, जबकि हमारे यहाँ ये एक मिसकंसेप्शन है कि ये हमारे सिर्फ खूबसूरती बढ़ाने के लिए या अपने आप को सोशली इंटरेक्ट करने के लिए चीज़ होती है, लेकिन वो एक डेफिनेटली एक इम्पेक्ट तो है कि वज़न कम होता है, ज़्यादा सोशली मतलब एक दूसरे से मिलना मिलाना, एक कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, लेकिन वो जो इसका असल ऑब्जेक्टिव है मोटापे की सर्जरी का या मोटापे को ट्रीट करने का, वो यही है कि इसके से जो मसाइल पैदा होते हैं, जिस तरह ब्लड प्रेशर है, शुगर है, दिल की बीमारियां हैं, अर्ली डेथ्स हैं, वो सब का बायस जो है ये मोटापा है, और उसको एज ए बीमारी कंसीडर किया गया है सारी दुनिया में। डिफरेंट तरीके जो है सर्जरी के, उस के बारे में भी थोड़ी सी आगाही होना बड़ा ज़रूरी है। ये तीन तरीक़ों से ये प्रोसीजर्स काम करते हैं। एक तो ये है कि खुराक कम लेना या कम रिस्ट्रिक्टिव डाइट, रिस्ट्रिक्टिव प्रोसीजर कहते हैं, जिसमें मैदा छोटा कर देते हैं, जिस तरह स्लीव गैस्ट्रेक्टमी है, उसमें पेशेंट थोड़ा सा लेता है तो ऐसा लगता है जैसे पेट भर गया और ज़रूरत नहीं खाने की, तो ये रिस्ट्रिक्टिव प्रोसीजर है। कुछ होते हैं कि अगर खाने के बावजूद भी खुराक उन जगह पे नहीं पहुंचती जहाँ से उसने एब्जॉर्ब होके हज़म होके जाना होता है, इसको बाईपास प्रोसीजर कहते हैं। तो रिस्ट्रिक्टिव प्रोसीजर्स बाईपास या मेल एब्जॉर्प्टिव उसको कहते हैं। तीसरा होता है कि हार्मोनल चेंजेस, कि जो पोर्शन फॉर एग्जांपल जिस तरह स्लीव के स्टेटमी उसका एक ख़ास हिस्सा हम निकाल देते हैं स्टमक, वो रतूबत ख़त्म करने जब वो पोर्शन निकालते हैं तो वो सेक्रीशन या रतूबत जिसको कहते हैं, वो ग्रालीन होता है हार्मोन या रतूबत पैदा होती है, वो जब वो स्टमक निकालते हैं तो वो भी ख़त्म हो जाती है उसके साथ, तो वो भूख लगने का बायस बनती है। जब वो पोर्शन निकल जाता है तो ग्रालीन ख़त्म हो जाती है और भूख ऑटोमेटिकली कम लगती है मरीज़ को, एक भूख कम लगती है, दूसरा थोड़ा सा मरीज़ खाता है ऐसा लगता है जैसे और ज़रूरत नहीं खाने को। बहुत सारे पेशेंट हैं जो फिजिशियन को दिखा रहे होते हैं, ओबीज होते हैं, उनकी शुगर भी कंट्रोल नहीं होती, वो इंसुलिन पे चले जाते हैं, इंसुलिन रेजिस्टेंट हो जाते हैं, किसी सूरत कंट्रोल नहीं होती, तो उसको भी फिजिशियन एडवाइस करते हैं, सर्जन के पास भेजते हैं कि अपनी ओबेसिटी सर्जरी करवा दो, और उससे हमने देखा है कि उनकी हाइपरटेंशन, उनकी ब्लड प्रेशर
और शुगर और इंसुलिन से भी जान छूट जाती है, ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल हो जाता है। इसका नाम जो है ना एक ओबेसिटी सर्जरी भी कहते हैं, इसको मेटाबॉलिक सर्जरी भी कहा जाता है, ठीक। इसलिए इसको ओबेसिटी प्लस मेटाबॉलिक सर्जरी, मेटाबॉलिक से मुराद ये है कि जो जिस्म के अंदर जो तब्दीलियां आती हैं, ठीक है, मोटापे की वजह से कोई हार्मोन के चेंजेस हैं, कुछ और वजूहत हैं जिसकी वजह से शुगर का लेवल बढ़ जाता है, तो जब हम ओबेसिटी या मोटापे को ट्रीट करते हैं इस सर्जरी के ज़रिए, इस प्रोसीजर्स के ज़रिए, तो उससे ऑटोमेटिकली शुगर ख़त्म हो जाती है। वो शुगर जो 30, 35 साल, 40 साल के बाद शुरू होती है, वो शुगर नहीं जो कि बचपन से होती है, वो इंसुलिन टाइप 1 होती है, वो ट्रीट नहीं होती। टाइप 2 डायबिटीज, जो टाइप 2 डायबिटीज़ है जो कि मोटापे की वजह से एक ही खास टाइम के बाद होती है, वो इससे डेफिनेटली ट्रीट हो जाती है। और इसीलिए इसको ओबेसिटी सर्जरी या मेटाबॉलिक सर्जरी का नाम है। या कुछ सवाल आपके जहन में अगर कोई आते हैं इस सारी डिस्कशन के बावजूद भी, जहन में सुनने के बावजूद, तो मरहम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें हम आपस में कनेक्ट कर सकते हैं, दूसरे के सवाल के जवाब दे सकते हैं। तो इनके ज़रिए अगर कोई आपके जहन में कोई और सवाल आता है तो मोर देन वेलकम, आप हमें एक्सेस करें मरहम के ज़रिए और उसका जवाब इंशाल्लाह आपके साथ तफसीली तौर पर डिस्कस करें।